हमने दो चीजें बहुत ज्यादा खेली, एक फिला करूँ दूसरा फिला जो हिडन टैलेंट है ना अंदर कोई मुझे बना रहा है कोई गा रहा है कोई नाच रहा है, उन लोग को लग रहा है करो खत्म हो गया बराबर, उन लोग को लग रहा है कि नहीं हमारा यही टैलेंट है, वो सारा ने जॉब छोड़ दिया वही टैलेंट बोल के आगे बढ़ रहे तो ऐसे में मेरे नसीब में सिंगर वाली कैटेगरी में जिससे मैं बहुत फ्रस्ट्रेट होता हूँ, पागल होता हूँ, सीरियसली मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ या इधर कॉमेडी करने को नहीं आऊँ, मैं मेरा फ्रस्ट्रेशन निकाल एक्चुअली हम लोग लॉकडाउन के बाद मैं मेरा दोस्त वगैरह गोवा चले तो वहां पे वो एक दोस्त को लेके आ गया, उसका नाम था अर्जुन केजरीवाल ओके, तो वो आ गया तो मुझे सुनने के कहा कि बहुत अच्छा सिंगर है वगैरह गाते हैं, सुबह से दूसरे दिन सुबह से शुरू हो गया 7 बजे ही हो गया और उसके बाद वॉलेट से की फोटो निकाल बता मुझे अकेला बैठा था समंदर से बातें कर रहा था, सीरियस टॉक होता है हम जाते हैं हर साल समंदर से बात करते, तो कुछ दिल के अंदर जो होता है वो पूरा बाहर निकल है, तो भाई आ गए 3-4 जन और उनके साथ अर्जुन था, उसने बैग वगैरह निकाली परफॉर्मेंस वगैरह जो होता है वगैरह और माइक कौन सा निकाला था वो चाइना वाला माइक होता है ना मिलता है, चारों बाजू में स्पीकर लगे होते हैं और कराओके के गाने शुरू को समझ में नहीं आ रहा है ये सुबह जो लता मंगेशकर प्रेयर कर रहा था वो सही है या अभी जो नौटंकी लगा होते हैं, अब वही है ना मतलब यहाँ पे जो भी सिंगर वगैरह होते हैं उनको पता होगा कि सिंगिंग में ना स्केल होती है, मराठी में उसको काली पट्टी पीली पट्टी ये सब कुछ बोलते हैं, इन लोग के गुरु है ना सॉरी इन लोग के गुरु है ना उसके ऊपर की पट्टी सिखा देते हैं सामने के चारों जन है जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह वो गाते चला जा रहा है हवा में गुनगुन रहा है वो सब चीजें चल रहा है, वो चारों लोग बोल रहे थे हाँ यार अच्छा है वगैरह और बीच में हंस रहे एक दिन छोड़ के अपने आप ही चला गया बोलो उसको कोई इंटरेस्ट नहीं फंस गया, मैंने बोला मैं सुनने जाता हूँ, अर्जुन ने हाथ पकड़ लिया नहीं चार गाने कंप्लीट कर उसके बाद चार के उसने मुझे 8 सुना दिया मैं बर्बाद हो गया ठीक है। अब मैंने बोला 6 दिन का पैकेज था 2 दिन में कट्टी मार मुझे नहीं सुनना है नहीं झेलना है आपको, अब कट्टू मैंने स्विमिंग पर ज्वाइन वगैरह कर लिया, मैंने बोला कि पीछा बोला छूटा दोस्त को बोला कि अरविंद क्या होगा वहां पे मैं नहीं रहूंगा इसके बाद उसको बोला ना और सिंगिंग वगैरह तो नहीं थे, अब मैं जा रहा था तो सिंगिंग के ग्रुप में से एक कोई तो बंदा अरविंद को दिखा ये सच है मैं झूठ कुछ नहीं बोल रहा मुझे केपी भाई उस दिन के बाद मैंने बोला हाँ सर क्या कर सकते उस दिन के बाद मैंने कहा अच्छा गाना और पानी में एक सिमिलर है क्या चीज सिमिलर है मुझे तरंग तरंग है मतलब ये जो मतलब ये जो मैंने खोज की है ना मुझे खुद पे रोना आ रहा है उधर इतने बड़े बड़े लंबे लंबे छोटे छोटे भाषण गाने लगा मेरा इतना सर घूम गया तो फ्रस्ट्रेट होके स्विमिंग पूल के इधर चला गया और पता नहीं मैंने कहा से जन्मा अंदर गया और मैंने सेकेंड या थर्ड जो होता है ना
वहां से जंप करते इतना फ्रस्ट्रेट वगैरह हो गया। अब मैंने बोल दिया कि नहीं अर्जुन मुझे नहीं कॉन्टेक्ट रखना है, मुझे बोल रहा है कि ये शर्ट वगैरह उसने डीपी वगैरह देता था, मैंने रखा था तो ये जो बर्ड है वो मेरे लिए सिंगिंग के लिए इंस्पायर है। सिंगिंग के लिए बोला स्विमिंग को उतर नहीं पिंक वाली बोल रहा था क्या बंदा है अरे उनके जैसे एक मतलब एक भी सूर लेने जाएंगे हम लोग, और ये बंदे ना रोटेंगे पुराने जो भी सिंगर है टैलेंटेड लेके उनके पास से दौड़ते हैं, ये अभी जो रिसेंट वाले उनके पास नहीं रहेंगे, उधर रफी के गाने गाएंगे साथ वो नहीं निकल रहा है पड़ जाएगी साथ जुदा हो जाएंगे यार से आगे लग जाएंगे तो बट नहीं हम ख्यालों में। अब मैंने उसका सब व्हाट्सएप वगैरह सब सब ब्लॉक हो गया कर दिया, हमने एक साल हो गया मेरा उससे कोई कॉन्टेक्ट नहीं, मेरे लिए था उसको बोल दिया भाई पिकनिक पिकनिक रहे अभी तो मैं अरविंद नाम के लड़कों से भी डर गया उसके साथ ही लता मुकेश और किशोर नाम के लड़कों से भी डर गया। अब एक साल बीत गया अभी थोड़ा सा रिसेंट मैं सिंगर नहीं हूँ जी सिंगर इसको मेरी मतलब फ्रस्ट्रेशन पता। अब मैं सोया हूँ नाइट शिफ्ट करके हो गया, अब मेरे घर पे साहस नहीं गया नहीं यार सपना होगा दूसरा साल अगर मुझे लगा नहीं यार अरविंद का ही कुछ मेरे मतलब दिमाग में तीसरा साल अगर नहीं यार सच्चाई मैंने उसके देखने को मेरे बिजली जा रही मैंने वही उसका मुंह दबा दिया क्या कब किसने बताया नहीं मेरे एक सर थे वो मुझे बचपन में इन्होंने मेरे को देखा था मुझे ना अचानक मिल गया जॉब के यहाँ पे रस्ते में बोले क्या है क्या कर रहे हो कुछ नहीं तो मैं तो लैब टेक्नीशियन हूँ मैं तो वो कर रही हूँ मुझे लगा आप सिंगर हो जाओगे आप मुझे इतना अच्छा करते थे और तभी मेरे को पता चला कि मैं तो सारी सिंगर थी बीच में मैं लैब टेक्नीशियन वगैरह बन गई अभी मुझे अपना ये कर रहे जो भी करियर अभी सिंगिंग में वगैरह कर रहे हैं चलता है डीएमसी जॉब हाँ ठीक है। मैंने पूछा कि भाई किसने कौन दे नहीं वो रोज आएंगे हफ्ते में तीन बार आएंगे सिखाने के लिए और तीन बार मैं उनके पास जाऊंगी सीखने के लिए ठीक है। सर का नाम था अरविंद